अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का केक काट मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। स्थानीय भोपाल चौराहा पर युवा कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में देश से रोजगार खत्म करने वाले, देश के युवाओं को बेरोजगार करने वाले, किसानों को कर्ज में डुबाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर केक काट कर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप मनाया गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि हम 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि सत्ता में आने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से बड़े बड़े वादे किए गए थे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, देश किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, नई नई कंपनियां स्थापित करने की बात, शिक्षा के लिए बड़े इंस्टीट्यूट खोलने, देश में नए उद्योग स्थापित करने आदि बड़े वादों के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। लेकिन जब से सत्ता में आए हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसी कारण से हम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रवेश अग्रवाल, युवा कांग्रेस जिला महासचिव विजय कटेश्रिया, हितेश चौधरी, संतोष सिंह गौड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमर जलोदिया, नरेश बैरागी, नितिन ठाकुर, सरताज सिंह राणा, दिलराज सिंह गौड़, अरुण गौड़, जितेंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। जानकारी जिला संयोजक विनोद राठौर पोलाई ने दी। आह्वान पर युवक कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। युवक कांग्रेस कार्यालय पर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का केक बेरोजगार दिवस के रूप में काटा गया है।